सुबह आंखें खुलने से पहले व्यक्ति जाग जाता है। जागने के बाद आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही मस्तिष्क भी धीरे धीरे जागने लगता है। यह समझना जरूरी है कि जिस तरह सूर्योदय के पहले उजाला होने लगता है और फिर बाद में सूर्य दिखाई देता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति को पूर्ण चैतन्य होने में वक्त लगता है। ऐसे समय में उसका मस्तिष्क संवेदनशील होता है। ऐसे में कुछ सावधानियां रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को सेट होने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। ऐसे समय में हमें कौन सी बातों पर कार्य करना चाहिए, चलिए जानते हैं। खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। अपने आप को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त हो जाओ कि दूसरों की आलोचना करने का आपके पास समय ही ना बचे। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जो अंदर से साफ है, वही बाहर से चमकता है। लोगों की राय से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दें। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद ना करें। जीवन में एक ही इंसान आपकी तकदीर बदल सकता है और वह खुद आप हैं। समस्या का अंतिम हल माफी ही है, कर दो या मांग लो। आपका सबसे बड़ा मित्र आपका नियंत्रित मन है। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल यह देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। हमारा खुद पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। ज्यादा मत सोचो, बस वही करो जिससे आपको खुशी मिले। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान है। अतीत पर मत जाओ और ना ही उस पर रो, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में सोचकर तनावग्रस्त मत हो, वो अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसी को खूबसूरत बनाओ। जब हम सुबह के समय खुद को मॉर्निंग अफर्मेशंस बोलते हैं, उन बातों को बार बार दोहराते हैं और फिर वैसा ही महसूस करते हैं, हम अंदर से एक खुशी महसूस करते हैं। हम उत्साह और एनर्जी से भर जाते हैं। हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। हमारा पूरा दिन अच्छे से गुजरता है और पूरे दिन हम अंदर से एक सकारात्मकता महसूस करते हैं। हमारे मन में जो नेगेटिव विचार चल रहे होते हैं, वे रुक जाते हैं और हम अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव तरीके से विचार करने लगते हैं। लाइफ को लेकर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाता है और हमारी लाइफ में सकारात्मक परिणाम दिखने लगते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो रोचक और तथ्यजनक लगा हो, तो आगे और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।